नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी टुडे इंडिया और टीवी टुडे इंडिया पर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं खबर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अयोध्या मसले का आज निर्णय आया है और उस निर्णय के अनुसार जो कहा गया है वो आपने सुना ही है और अब उस निर्णय पर हम बातचीत कर रहे हैं शाही मस्जिद ईदगाह के अध्यक्ष डॉक्टर जैद हसन साहब से। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर? देखिए, हमारा देश एक जनतंत्रात्मक संस्थान है, कंट्री है, देश है और यहाँ पर एक संविधान है। संविधान की हम सबसे ज़्यादा जाहिर है कदर करते हैं क्योंकि राज का जितना है संविधान के आधार पर चलता है और न्याय के क्षेत्र में हमारे पास सबसे बड़ा संस्थान है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का किसी भी विषय में जो निर्णय होता है और इस मामले में जो उसका विषय है उसको हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, यानी उसका निर्णय हमारे सर और आंखों पर। जी, सर आंखों पर है ये फैसला। हाँ बिल्कुल। अब जो हमारे वो बंधु जो इस मुकदमे बाजी में लगे हुए थे और हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो कभी मीटिंग करेंगे, बैठे देखेंगे कि इसमें क्या वो आगे कदम ले सकते हैं, क्या ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ ज़मीन देने का दिलवाने का वादा किया है जहां पर हम मुसलमान भाई या हमारा बोर्ड अपना मंदिर माफ़ कीजिएगा मस्जिद बनाएंगे। अब इसके बारे में बोर्ड का अपना क्या न्याय है या बोर्ड अपनी क्या नीति बनाता है इसके बारे में बोर्ड वालों से ही बात करनी पड़ेगी। जी, चलिए, आपने अपनी प्रतिक्रिया दी इस फैसले पर, इसके लिए आपका धन्यवाद। अभी तक हमारे साथ रहे डॉक्टर जैद हसन, शाही मस्जिद ईदगाह के अध्यक्ष मथुरा के। डॉक्टर जैद हसन सर आंखों पर बता रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को और जो पक्षकार हैं वो इस संबंध में और निर्णय लेंगे विचारोपरांत, ऐसा आपने कहा है। और निर्मोही अखाड़े के पक्षकार सीताराम बाबा ने क्या कहा है, जरा उनको भी सुनते हैं। जय सियाराम। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसमें जैसा कि सभी लोग उत्साहित है, हम भी उत्साहित है, जो भी आया उसमें राम जी के पक्ष में तो कम से कम आया है, राम जी मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, यह अति प्रसन्नता की बात है। लेकिन जिस प्रकार से निर्मोही अखाड़े का मुकदमा खारिज किया गया है उससे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि न्यायालय भी नेताओं से संचालित होने लगा है, सरकार से संचालित होने लगा है। क्योंकि आप स्वीकार करते हैं कि रामचमुत्रा में सीता रसोई में हिंदू पूजा करते थे, तो वो हिंदू कौन थे? वो निर्मोही अखाड़े की पूजा करता था उस समय, और कोई दूसरा हिंदू थोड़ी था। तो आपने अखाड़े का मुकदमा खारिज कर दिया ये स्वीकार करते हुए कि वहां पूजा करते थे, और राम जन्मभूमि न्यास जो विश्व हिंदू परिषद का है वो वहां पर कोई पक्ष भी नहीं है, पक्षकार भी नहीं है मुकदमे में, उसके बाद में भी उनको मंदिर बनाने की अनुमति दी जाती है। यह थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये नेताओं से प्रेरित जजमेंट है, लेकिन फिर भी हमने निर्मोही अखाड़े ने पूरी लड़ाई संवैधानिक तौर पर लड़ी है, आज तक हमने कहीं भी कानून को तोड़ा नहीं है, आगे भी हम कानून को नहीं तोड़ेंगे, कानून का आदर करते हैं, और यदि हमें उसका विरोध करना होगा जजमेंट का तो हम संवैधानिक तौर पर रिव्यू करेंगे, पूरे पंच लोग बैठेंगे, एक एक बिंदु पर विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद में आगे डिसीजन लिया जाएगा। जय सियाराम। राम मंदिर पर दिया गया फैसला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देश के दोनों वर्गों को, देश के सभी सामान्य व्यक्तियों को, धर्मों को मानने योग्य है, स्वागत योग्य है। सदियों से चला रहा यह विवाद आज सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के बाद खत्म हो गया है और
हमारे यहाँ हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब जो प्रचलित बातें हैं वो साबित होंगी, और कहीं पर कोई व्यक्ति ना उल्लास की बात है, ना किसी गम की बात है, ना किसी की हार हुई है, ना किसी की जीत हुई है। लेकिन ये सही है कि जन जन के प्रिय श्री राम के मंदिर निर्माण का जो जजमेंट था, बहुत दिन से लंबित था, वो आने के बाद एक बहुत बड़ा जो देश से ऐसा माहौल बना हुआ था कि कब होगा, क्या होगा, वो एक अच्छा जजमेंट हुआ है। और इस जजमेंट के बाद आने वाला समय जो होगा भारत देश के लिए बहुत ही बढ़िया होगा, और हिंदू मुसलमान दोनों में एक नज़दीकी बढ़ेगी, और दोनों ही पक्ष अपना अपना बड़ा दिल दिखाएंगे। दोनों को ही जजमेंट में मुसलमानों को 5 एकड़ ज़मीन अयोध्या में ही दी गई है, देने का आदेश हुआ है, और मंदिर पर हिंदुओं का जो राम जन्मभूमि बताई गई है वो राम जन्मभूमि को मानते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जजमेंट किया गया है, और दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। बाकी लोगों को किसी की बातों में बहकावे में नहीं आना चाहिए, और सारे समुदाय जाति धर्म को छोड़कर मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए, तभी भारत का विकास होगा और तभी देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद।